हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेकफिन। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑनर 20 का रिव्यू, जो कि अभी अभी मार्केट में आया है बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। तो दोस्तों, इस मोबाइल के पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सम्यक, आप देख रहे हो टेकफिन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं स्मार्टफोन के बारे में, कौन अच्छा बोल रहा है कौन बुरा बोल रहा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, आखिर आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ऑनर 20 आता है किरिन के 980 चिपसेट के साथ, जिसमें आप पाएंगे 6GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी। तो दोस्तों, प्रोसेसर तो यहां पे अच्छा मिल रहा है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, ऑनर 20 में आपको मिलेगा 6.26 इंचेस के FHD+ IPS डिस्प्ले विद 92.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। यहां एक बात सामने आता है दोस्तों, आपको स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में तो ये स्मार्टफोन थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ी फीचर है दोस्तों, वो है इसका कैमरा। हाँ दोस्तों, इस ऑनर 20 में आपको देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा का सेटअप, यानी कि इसके रियर में मिलेगा 4 कैमरा की सेटअप, जिसमें से एक होगा 48MP का मेन कैमरा विथ F1.8 अपर्चर, जिसमें है सोनी IMX586 के सेंसर, और दूसरा वाला है 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा वाला है 2MP का डेप्थ सेंसर, और चौथा वाला है सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों, इसमें है एक 2MP का माइक्रो लेंस, जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। ये तो रहा रियर कैमरा के बारे में, इसका फ्रंट कैमरा भी लाजवाब है दोस्तों। इसके फ्रंट में मिलेगा आपको एक 32MP का पंच होल फ्रंट कैमरा विच कम्स विद F2.0 अपर्चर। तो इसका कैमरा तो बहुत ही भारी पड़ने वाला है बाकी सब स्मार्टफोन पे, चाहे इसका फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो। और इसमें मिल रहा है आपको 3750mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, और इसके बक्स में मिलता है एक 40W के फास्ट चार्जर विथ USB Type-C चार्जिंग पिन। और दोस्तों, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड में लॉक की के ऊपर दिया गया है, बिल्कुल ही सैमसंग S7 की तरह, जो थोड़ा यूनिक तो है ही, साथ ही साथ यूज करने में भी बहुत इजी है। और दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है 32,999 रुपीज में, जो कि फिलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप इसे खरीद सकते हैं 25 जून के बाद। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन की फीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं एज कम्पेयर टू इस प्राइस। हालांकि यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले और हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, पर क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑनर के स्मार्टफोन में आपको अभी कोई भी गूगल के ऑफिशियल एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ दोस्तों, इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर, गूगल असिस्टेंट, गूगल प्ले सर्विस जैसा कोई भी गूगल के ऑफिशियल एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हुए ही बाद में गूगल के साथ पैचअप कर ले, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। दोस्तों, नो डाउट के स्मार्टफोन के फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर जब गूगल ही नहीं रहेगा तो ये फीचर्स का क्या। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे स्मार्टफोन के ऑप्शन मिल रहे हैं मार्केट में, तो मेरे हिसाब से तो आपको इस स्मार्टफोन को खरीद के कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ऑनर 20, बाकी तो आप समझदार है ही, जो भी डिसीजन लेंगे ठीक ही लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देर किस बात की दोस्तों, वो लाइक बटन को क्लिक करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।